हेलो। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सेकंड टेस्ट मैच का थर्ड डे था वो भी वॉश आउट हो गया। बारिश की वजह से कोई प्ले नहीं हुआ। तो डे वन का क्लोज का ही स्कोर बताते हैं। डे वन का क्लोज पे बांग्लादेश थी 107 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मुशफिकुर रहीम 6 पे नॉट आउट और मोमिनुल हक 40 पे नॉट आउट। इंडिया की तरफ से 3 विकेट लिए, 2 विकेट आकाशदीप ने, 1 विकेट अश्विन ने। तो 2 दिन से तो प्ले कुछ हुआ नहीं और 2 दिन में रिजल्ट आना मुश्किल ही है। अब बांग्लादेश वो टीम नहीं रही है जो 3 दिन में टेस्ट मैच हार जाए। तो अब 2 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी मुश्किल ही है मैच होना पूरा। तो ये तो ड्रॉ ही हुआ पूरा। इंडिया के ड्रॉप्स होंगे पॉइंट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। अब दूसरे टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड। तो श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को सेकेंड टेस्ट मैच में इनिंग्स और 154 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 602 रन बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स डिक्लेयर कर दिया था। श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा कमिंडो मेंडिस ने 182 रन बनाए थे, दिनेश चंडीमल ने 116 रन बनाए थे और कुशाल मेंडिस ने 106 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग्स 88 रन में ऑल आउट हो गई थी। एंड न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा मिचेल सैंटनर ने 29 रन बनाए थे और श्रीलंका की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने 6 विकेट लिए थे। सेकेंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने 360 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। एंड श्रीलंका की तरफ से ईशान पेरिस ने 6 विकेट लिए और प्रभात जयसूर्या ने 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो डेविड कॉनवे ने 61 रन बनाए, केन विलियमसन ने 46 रन बनाए, टॉम ब्लंडल ने 60 रन बनाए, डेन फिलिप्स ने 78 रन बनाए और मिचेल सैंटनर ने 67 रन बनाए। श्रीलंका ने पहला टेस्ट मैच 63 रन से जीता था। तो श्रीलंका ने ये सीरीज़ जो 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2-0 से जीत ली। एंड श्रीलंका के वर्ल्ड चैम्पियनशिप पॉइंट्स तो बढ़े बट न्यूजीलैंड के बहुत कम हो गए हैं। एंड न्यूजीलैंड 7th पोजीशन पे आ गई है। अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5th ODI। अब ये सीरीज़ थी 5 वनडे इंटरनेशनल्स की, जिस जो कि 2-2 से बराबरी पे थी। फर्स्ट 2 ODIs ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, फिर थर्ड एंड फोर्थ ODIs इंग्लैंड ने जीते थे। तो ये सीरीज़ डिसाइडर है। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया। इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 309 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट इस बार ट्रेविस हेड ने लिए। तो बैटिंग तो कमाल करते ही हैं ट्रेविस हेड, बॉलिंग में भी इस बार कमाल कर रहे हैं। 4 विकेट्स लिए। जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने 7.4 ओवर्स में 84 रन बना लिए थे फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ट्रेविस हेड 31 रन बना के आउट हो गए थे। एंड क्रीज पे खेल रहे हैं मैथ्यू शॉट और स्टीव स्मिथ। एक और मैच है आज साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच में, सेकेंड T20 इंटरनेशनल। 2 T20 की सीरीज़ है तो उसमें पहला मैच साउथ अफ्रीका जीत गई थी। अभी सेकंड में देखते हैं क्या होता है, आयरलैंड जीत के सीरीज़ बराबरी करती है या साउथ अफ्रीका 2-0 से सीरीज जीत जाती है। एंड IPL के रिटेंशन रूल्स भी आ गए हैं, जो भी ऑक्शन होने वाले हैं नवंबर में उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनलाइज कर दिए हैं। तो उस पर एक अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एंड उस पर एक अलग से वीडियो बना के मैं कल परसों पोस्ट करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर। बाय बाय।